अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिल चाह रहा था पराठा और चाय, तो चाय तो मैं रख चुकी हूँ और पराठे की तैयारी है। उसी के साथ साथ मैं सुबह जब किचन में आती हूँ तो दोपहर की तैयारी भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे कब कहाँ पे कितना टाइम लग जाए, कब कहाँ पे जाना पड़े। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह दोपहर का जो खाना है वो तैयार कर लूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं दोपहर में आ नहीं सकती हूँ तो शाम की तैयारी कर कर रख कर जाती हूँ, ताकि मैं आके मेरे बच्चों को घर का खाना बना सकूँ। और मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था पराठा खाने, तो मैंने बोला चलो बना ही लेती हूँ। ये देखो छोटा सा एक पराठा अभी हो गया, एक ही खाने का है चाय के साथ। तो आप सबको गुड मॉर्निंग और अच्छे दिन और अच्छी सोच और अच्छे कामों के साथ दिल से प्यार। मैंने अपने लिए आज बनाई थी पराठा, पर ये मेरे बेटे के लिए बनाई हूँ। पर मैंने सोचा कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ट्राई करती हूँ। अच्छा बन गया तो इंशाल्लाह फिर इसकी रेसिपी कभी ना कभी ज़रूर शेयर करूँगी। पर माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया, और देखो कितना मस्त मैंने इसको तड़का भी दी हूँ। और बनाई तो एक बड़ा सा बाउल भर के था, पर इतना सा तड़का दी, मेरे बेटा खा के मुझे रिव्यू देगा कि कैसा बना, तो इंशाल्लाह फिर मेरे किचन चैनल पर बना सकूँ मैं। लुक में तो बहुत अच्छा है, टेस्ट मैंने किया था जब मैंने इसको भापी थी, स्टीम की, तो टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने टेस्ट के लिए अच्छे से मजे से पूरे डाल लिए, टेस्ट पे तीखा लगा तो झट से मैंने पूरा मसाला डाल दिया। देखो थोड़ा सा टेस्ट करके मेरे पसीने में हालत लत एकदम लत पत हो गई हूँ पसीने से। पर एक बात बोलूं, बहुत टेस्टी है। तो आपको इंशाल्लाह एक दो दिन में मेरे किचन के चैनल पे पूरी रेसिपी मिलेगी, बनाना जरूर खाना जरूर, बाकी आगे आपकी मर्जी, बनाना और खाना जरूर। जस्ट खाना खाए और मेरा इतना अर्जेंट एक काम का फोन आया, ऐसी हालत में निकल रही हूँ। ये सब तैयार होती कि मैं बोली आज जुमेरात है तो दरगाह होकर आती हूँ, लेकिन उसी के पहले अल्लाह पाक ने रोजी भेजी है, रोजी है हम है, वहाँ से फिर मैं जाऊँगी दरगाह। अब टाइम नहीं पता कितना टाइम होगा दरगाह जाने के लिए, पहले तो निकली हूँ घर पे मेरी काम धंधे के, जो मुझे कॉल आया उसके लिए। काम से जस्ट अभी फ्री हुई, ये रही नागौरी की चाय और ये रहा बन मस्का। दरगाह जाने का टाइम था लेकिन काफ़ी लेट हो गया मुझे, काम के काम से निकली थी जो, तो अब अभी फ्री हुई तो अब ये थोड़ा खा पी लूँ, इंशाल्लाह फिर अगर बन भी हो गई तो सलामी देके फिर घर जाऊँगी। थोड़ा लेट हो गया मुझे तो मैंने बोला फिर भी सलामी भरे बगैर तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ काम से निकली, फिर मेरा वहाँ पार्लर में अपॉइंटमेंट था हेयर के लिए, तो वहाँ भी लेट पहुँची। वहाँ से जस्ट अभी फ्री हुई तो आई, तो जस्ट अभी गेट बंद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं सलामी भर कर जाऊँगी। माशाल्लाह रात का मंज़र भी बहुत खूबसूरत है, और जो भी मिलता है रात के आलम में ही मिलता है पीर वलियों के दर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात के आलम में भी बहुत सी जगह पर पहुँच ही जाती हूँ। जज़ाकअल्लाह। होने के बाद भी दरबार पे अगर सलामी लगती है तो बहुत नसीबदार होते हैं कि पीर वली लोग जो जिनको प्यार करते ना वही उनके दर तक आते हैं, चाहे बंद हो चाहे चालू हो, पर उनके दर तक उन्हीं के कदम पड़ते जो उनकी इजाज़त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं सारे काम से फ्री होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँची, और जज़ाकअल्लाह सलामी भरी। आप जा रही हो घर।